समझे इस बोतल में एक दो नहीं लगभग 42 जो है नाग जो गेहूं सांप बोला जाता है वो 42 सांप हैं और छोटे छोटे ये देखिए बेबी कोबरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें दिखा दीजिए थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए 42 जो है गेहूं और नाग जो बोला जाता है और इसमें बड़ा वाला नाग है। इसको हम लोग डब्बा में जो है बॉटल में बंद है तो हम लोग छू रहे हैं, नहीं तो अगर जो खुला होता तो हैकरी डाउन हो जाती, हमारी भी हैकरी होता। होल भी कर दिया गया है इसमें सांस लेने के लिए और इसमें जो है बेबी कोबरा है, कितना हमको लग रहा है कि 42 लोग बता रहे हैं और 42 इसमें और छोटे और बड़े जो सांप होते हैं इन लोगों का इसमें 42-43 सांप। डर नहीं लग रहा था? हम नहीं पकड़े थे, डर तो लग ही रहा था। हाँ, खोद रहे थे आप? हाँ, हम लोग मिट्टी खोद रहे थे हम लोग। हाँ, सुबह से तो छोटे छोटे बच्चे मिले हैं और मोटा एक दो बड़ा सांप। ये सावन का पावन महीना चल रहा है और अद्भुत चमत्कार हुआ इस गांव में, एक भी सांप मारा नहीं गया है। मरा गया है सांप? कोई नहीं, एक भी सांप मारा ही है। तो किसी को मना काटा नहीं है? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है आज से, नहीं बहुत पहले से नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कि हम लोग को पुराना घर है गांव में, वहाँ भी हम लोग सांप को पूजा चढ़ाते हैं साल में एक बार, ठीक ना। और सावन का महीना में भी हम लोग कुछ छूते नहीं हैं। और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए कि भैया जो बोतल में सांप को लिए हैं और ये देख लीजिए छोटे छोटे बेबी कोबरा हैं, इसमें शायद दिखाई ना दे रहा हो और इसमें बहुत बड़ा सांप है, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए देखिए कैसे खड़ा हो रहा है, देखिए कैसे खड़ा हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर जो बाहर निकल जाए तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हैकरी सबकी डाउन हो जाएगी, ये ऐसा सांप है कि इसको देखते ही लोगों की हवा हवाई। अभी हम मौजूद है कुशीनगर जनपद के लक्ष्मीगंज के धोधराई ग्राम सभा में और यहाँ पर सावन के पावन महीना जो चल रहा है, यहाँ पर लगभग 42 नाग जो है सांप देखने को मिला है। थोड़ा सा हट जाइए, साइड हो जाइए। यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ रेस्क्यू टीम आई हुई है जो कुशीनगर की, और वो लोग रेस्क्यू किए हैं। थोड़ा दिखा दीजिए इस बोतल में एक दो नहीं लगभग 42 जो है नाग जो गेहूं सांप बोला जाता है वो 42 सांप हैं और छोटे छोटे ये देखिए बेबी कोबरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें दिखा दीजिए थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए 42 जो है गेहूं और नाग जो बोला जाता है और इसमें बड़ा वाला नाग है। इसको हम लोग डब्बा में जो है बोतल में बंद है तो हम लोग छू रहे हैं, नहीं तो अगर जो खुला होता तो हैकरी डाउन हो जाती, हमारी भी हैकरी डाउन हो जाती, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू टीम के लोग हैं और यहाँ जो है इसको पूरी तरीके से बोतल में कैद कर दिया है। और दिखा दीजिए थोड़ा सा, होल भी कर दिया गया है इसमें सांस लेने के लिए और इसमें जो है बेबी कोबरा है, कितना हमको लग रहा है कि 42 लोग बता रहे हैं और 42 इसमें और छोटे और बड़े जो सांप होते हैं इन लोगों का इसमें बंद कर दिया गया। छोटा हो या बड़ा हो भैया ध्यान दीजिए, छोटा हो या बड़ा हो इसका जहर उतना ही होता है जितना बड़ा गेहूं सांप का होगा, जितना बड़ा जो नाग होता है उसका जहर जितना होगा उतना छोटा भी सांप का जहर होता है। थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये वही जगह है, अभी भी खुदाई चल रही है और यहाँ गाँव के लोग हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं। और इस घर में देखिए, इस रूम में लगभग 42 सांप थे। कब से खुदाई चल रहा है? 9 बजे से। 9 बजे सुबह से? सुबह। शाम 5 बज गया? हाँ, सुबह 9 बजे से और शाम 5 बज गया। कितना सांप मिले हैं इसमें? 42-43 सांप। डर नहीं लग रहा था? हम नहीं पकड़े थे, डर तो लग ही रहा था। हाँ, खोद रहे थे आप? हाँ, हम लोग मिट्टी खोद रहे थे हम लोग। हाँ, सुबह से। तो छोटे छोटे बच्चे मिले हैं और मोटा एक दो बड़ा सांप भी मिला है, और भी कुछ मिला है इसमें? नहीं, केवल सांप ही निकल रहे थे? केवल सांप बच्चे। अच्छा, ये सावन का पावन महीना चल रहा है और अद्भुत चमत्कार हुआ इस गांव में, एक भी सांप मारा नहीं गया है। मारा गया है सांप? कोई नहीं, एक भी सांप नहीं मारा गया। कब से? सुबह से 9 बजे से चल रहा है लगभग खुदाई? खुदाई 9 बजे से चल रहा है। कल सूचना दिया गया कि भाई सपेरा वाला। कब पता चला था कि सांप निकल? कल 4 बजे मैंने पता चला कि इसमें बच्चे घूम रहे थे, अब बच्चा हमारा आया, देखा कि इसमें सांप घूम रहे हैं सब बच्चे। घर आप ही क्या है? घर हमारा ही है। तो किसी को मना काटा नहीं है? कोई भी नुकसान नहीं हुआ है आज से, नहीं बहुत पहले से नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कि हम लोग को पुराना घर है गाँव में, वहाँ भी हम लोग सांप को पूजा चढ़ाते हैं साल में एक बार, ठीक ना। और सावन का महीना में भी हम लोग कुछ छूते नहीं हैं और न खाते हैं न पीते हैं, और इसीलिए हम लोग हाथ से मैंने किसी को नहीं बुला कर मरवाए ताकि
सावन का महीना में ये सब काम न किया जाए। सावन के महीना में कहीं ना कहीं अद्भुत चमत्कार हुआ, एक दो नहीं 42 सांप इसमें मिले हैं, और कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि सांप से डर लग भी रहा था ना। ना ना, हमको सांप को डर नहीं लगता था, इसलिए कि हम लोग इसी में हम लोगों का गुजारा हुआ है, इसलिए कि पुराना मकान है हम लोग बीच गाँव में, हम लोग हमेशा देखते हैं सुनते हैं, कहीं ना कहीं भरोसा था भगवान पर भरोसा है, कुछ गलत नहीं होगा, अनहोनी नहीं होगा, नहीं होगा, उसको हम लोग मारेंगे नहीं, वो टच नहीं करेंगे तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, यही ना। हाँ, यही। इन लोगों का देखिए, पूरे गांव के लोग यहां पर जमवाड़ा लगाए हुए हैं, पूरे गांव के लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है। थोड़ा सा बाहर आ जाइए, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गाँव के लोग, पूरे गाँव के लोग, अगल बगल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू टीम के भी लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ है रेस्क्यू टीम वाले भैया, कहाँ आ जाइए थोड़ा सा, ये रेस्क्यू टीम के भैया हैं, रेस्क्यू ये इन्होंने ही किया है, एक दो नहीं लगभग 42 सांपों का रेस्क्यू किए हैं। कब से रेस्क्यू कर रहे हैं? हमको 2021 से करता हो गया, 2021 से कुशीनगर में ही करते हैं जी, कुशीनगर नहीं, हमको जहाँ से फोन आता है वहाँ जाते हैं, जहाँ से आता है वहाँ जाते हैं। यहाँ कब आए थे? सुबह में 9 बजे, 9 बजे से 5 बज गया, कितना सांप मिला है? 42 सांप इस घर में पकड़ा गया। कौन कौन से प्रजाति है? सब कोबरा है, सारे कोबरा है, सब टोटल कोबरा। थोड़ा सा लोगों को बताने का यह प्रयास कीजिए, वो बड़ा सांप हो या छोटा हो, जहर किसमें कितना ज्यादा होता है? जहर कम बेसी नहीं होते हैं, जितना जहर बड़े का काम करेगा उतना ही जहर इसका भी काम करता है। अच्छा, छोटे बच्चे का भी जहर उतना ही होता है जितना उसमें होता है? जो अंडे से निकलेंगे वो भी काट देंगे तो आदमी 2.5 से 3 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं ये सावन का महीना चल रहा है, एक भी सांप को मारा नहीं ना गया है? हमारे रेस्क्यू करते हुए आज तक कोई सांप नहीं मरा है जी। मतलब आप रेस्क्यू करते गए और इसमें बोतल में पैक करते गए? उससे पहले हमने कितना बड़ा सांप मिले हैं और छोटे बच्चे कितने मिले हैं? सब बराबर है, 12 इंच की उनकी लंबाई होती है अंडे से निकलते हैं तो। अच्छा अच्छा, कोई 12 इंच का है, कोई 15 इंच का है, कोई 16 इंच का ही है, उससे ज्यादा कोई लंबाई नहीं है। कभी इतना मतलब जितना ये सांप पकड़े हैं अभी 42 लगभग सांप है, 4 डब्बों में भरा हुआ है। थोड़ा सा मतलब आप उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, उठा लीजिए एक बोतल उठा के, थोड़ा सा दिखाइए, एक दो बोतल उठा के दिखा दीजिए लोगों को, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए कि भैया जो बोतल में सांप को लिए हैं, और ये देख लीजिए छोटे छोटे बेबी कोबरा हैं, इसमें शायद दिखाई न दे रहा हो, और इसमें बहुत बड़ा सांप है, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, देखिए देखिए कैसे खड़ा हो रहा है, देखिए कैसे खड़ा हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं अगर जो बाहर निकल जाए तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हेकड़ी सबकी डाउन हो जाएगी। ये ऐसा सांप है कि इसको देखते ही लोगों की हवा हवाई गुल हो जाती है। और ये भैया ने रेस्क्यू कर रहे हैं लगभग कब से कर रहे हैं? 2021 से कर रहे हैं, 2023 दो तीन साल इनको हो गया, और इनको अनुभव है, अनुभव है, इसलिए ये सांपों को पकड़ते हैं और सांपों को जो है कि रेस्क्यू करते हैं। अन्यथा ऐसे नए लोग अगर जो हाथ लगाते हैं सांपों को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर नए लोग लगाएंगे उनको तो पता नहीं रहेगा कैसे काटेगा तो पॉइजन शरीर में जाएगा। हम लोग को अनुभव हो गया है कि हम कहाँ पकड़ेंगे तो कैसे काटेगा, कौन सा सांप है कहाँ पकड़ेंगे। अब मानिए छोटा सांप है उसको सर पकड़ेंगे, बड़ा सांप है तो कहीं पकड़ सकते हैं। तो अगर जो नहीं पकड़ते हैं तो पकड़ने का गलती का भी ना करें, इसलिए कि 2.5 से 3 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे। ये हम पकड़ के जा रहे हैं तब हमारा देखा देखी इस गांव के लड़के, लोगों में भ्रम है, मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि ये संदेश पहुंचे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सांप काटता है तो लोग झाड़ फूँक करवाने लगते हैं, थोड़ा सा उन लोगों को बताइए कि गाँव के लोग अक्सर इस झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या जिला अस्पताल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लोग झाड़ फूँक करवाते हैं, क्या झाड़ फूँक करवाने से सांप का जो जहर होता है उतरता है क्या? देखिए पहले का जमाना में था, इस समय अगर किसी को भी सांप काट दिया तो आप तत्काल सदर हॉस्पिटल पे जाइए, अन्य अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इसका इंजेक्शन का दाम 60,000 रुपया है, और सरकारी में जाएंगे तो आपको निःशुल्क सेवा है। तो आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, कोई सोखा बोलेगा ये दिक्कत है इतना टाइम में ठीक कर देंगे, तब तक पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, उससे पहले आप सदर हॉस्पिटल लेकर भागिए तो बंदा को बचने का फुल चांस रहेगा। अगर यहीं पे लेट कर देंगे तो नहीं बचेगा, उसको 2.5 से 3 घंटा से पहले आपको हॉस्पिटल लेके पहुंचना है जी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को भैया बता रहे हैं कि अगर जो सांप जो है संपर्क, अच्छा आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो सांप काटता है तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपसे लोग संपर्क कैसे साधे अगर जो किसी घर में सांप ऐसा निकल गया या आपसे कुछ जानकारियां लेना हो तो? गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे मारिए, फेसबुक पे मारिए, सपेरा कुशीनगर रेस्क्यू टीम, सब पे हमारा नंबर, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर सब पे है। अच्छा जी, सपेरा कुशीनगर रेस्क्यू टीम जो है कि आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ गूगल यूट्यूब पे सब पे आ जाएगा, टोटल सब पे हमारा नंबर मिलेगा। क्या चार्ज वगैरह भी आपका लगता है क्या सांप निकालने का? कि हम लोग तो गवर्नमेंट से तो है नहीं जी, जी। अपना पैसा लगा कर सीखे हैं, प्राइवेट मतलब आप जाते हैं किसी का मतलब हेल्प करते हैं तो तेल पानी जलता होगा तो लेते होंगे यही सब ना जी। तो भैया जो है कि सांप रेस्क्यू करते हैं और इनका भी पेट पर्दा है जो कि
प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंटेड नहीं है, और यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखा दीजिए कि गांव के लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। गांव के लोग सांप को देखने के लिए बेताब हैं, और सांप जो है देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं सांपों की पूजा की जाती है, और यहाँ लोग एक दो नहीं, चार नहीं, दस नहीं, लगभग 42 सांप निकले हुए हैं, और इस एक घर में से निकले हुए हैं, और 42 सांपों को देख करके लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।